हेलो एंड वेलकम आज के इस वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी डेट दे के रखा हो तो उसके कारस्पांडिंग जो भी दिन है वो कैसे हम निकाल सकते हैं ना दैट इज हाउ टू फाइंड डे ऑफ एनी डेट दैट लाइज बिटवीन नाइनटीन हंड्रेड टू नाइनटीन नाइन्टी नाइन ठीक है तो ये ट्रिक हम सीखेंगे इस ट्रिक को सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है ठीक है वो, वो मैंने रखा है डिजिट कोड फॉर मंथ्स ठीक है इन मंथ्स को हम कुछ कोड्स देंगे वो हमने याद रखना है वो कैसे याद रखेंगे उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ वो दैट कैन बी रिमेम्बर्ड इजीली ठीक है एंड देन डिजिट कोड फॉर वीक डेज उसके लिए भी हमने ये तो आसान है ये याद रखना ठीक है इसके लिए भी हमने कोड रखे और इन दो कोड्स को याद करके हम किसी भी डेट के कारस्पॉन्डिंग जो भी डे आता होगा वो निकाल सकते हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट जनवरी के लिए जो हमारा डिजिट कोड होगा दैट इज वन ठीक है फेब के लिए फोर मार्च के लिए फोर अप्रैल के लिए जीरो फॉर मे इट विल बी टू फॉर जून फाइव जुलाई के लिए फिर से जीरो एंड अगस्त थ्री सेप्टेम्बर सिक्स एंड अक्टूबर वन नवंबर फोर एंड दिसंबर सिक्स ठीक है अब पहले मैं इनके कोड्स लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि ये वाले कोड्स हम कैसे याद रख सकते हैं ठीक है नो फॉर दिस संडे, द कोड इज़ वन फॉर मंडे इट इज़ टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड इट इज जीरो अब याद कैसे रखें? अगर आप यहाँ पे देखोगे तीन तीन करके ग्रुप देम ठीक है यहाँ पे देखोगे इट इज का स्क्वायर दैट इज वन फोर्टी फोर यहां पर देखोगे इट्स फाइव का स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी फाइव यहां पर देखोगे इट इज Six का दैट थर्टी सिक्स अब ये ऐसे याद रखोगे स्टार्ट में वन फोर्टी फोर था और लास्ट का है वन फोर्टी सिक्स ठीक है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ठीक है अब मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊंगा कि हम ये चीज कैसे कर सकते हैं लेकिन जो आप देखोगे ये स्टार्ट में हमारा रहेगा इस ईर्स में तो लीप भी आएगा और नॉन लीप ईयर भी आएगा ठीक है पहले हम नॉन लीप ईयर्स पे देखेंगे कौन सी ट्रिक रहेगी ठीक है मैं कोई रेंडमली एक डेट उठा रहा हूं ठीक है से मैंने उठाया फर्स्ट जन या फर्स्ट जन 1947 ठीक है पहले आप देखोगे क्या नॉन लीप ईयर है हाँ जी नॉन लीप ईयर है वो कैसे पता चलेगा यहां पे हमने इसको फोर से डिवाइड करना है तो इससे फोर से डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि इसका फोर से डिवाइड तब भी होता है जब इन दो डिजिट्स का फोर्टी सेवन का डिवाइड फोर से हो जाता है ठीक है तो ये नॉन ईयर है अब हमने चार चीजें लिखनी है पहले इसके लास्ट दो डिजिट्स ठीक है दूसरा आपने फोर्टी सेवन को फोर से डिवाइड करना है जो क्वेश्चन आएगा वो यहां पे लिखना है ठीक है तो ये आएगा फोर्टी फोर थ्री ये रहेगा हमारा क्वेश्चन तो ये वाली स्पेस इससे फिल होगी ठीक है तीसरी चीज हमने जो निकालनी है वो है जेन ना जेन, यहां से आप आगे बढ़ोगे तो जनवरी का जो कोड है वो लिखना है आपको दैट इज वन ठीक है और आगे बढ़ोगे तो फॉर दिस इट इज वन ओनली ठीक है ये डेट आएगा फिर दैट इज वन अब इन को आपने ऐड करना है ठीक है जब फोर्टी सेवन को अलेवन से ऐड करोगे इट विल बी प्लस टू दैट विल बी सिक्सटी ऑनली ठीक है ये आ गया आपके पास सिक्सटी अब हमारा काम हो गया ठीक है ये जो अब सिक्सटी है ठीक है सिक्सटी को आपने सेवन से डिवाइड करना है जो यहां पे आपके पास आ रहा है ऐड करके। सेवन से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा एट फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर इट विल फिफ्टी सिक्स ठीक है तो रिमाइंडर आएगा फोर ये रहेगा हमारा आंसर अब इस डिजिट के कास्ट पॉइंट ऑफ कोड देखोगे दैट इज दिस वेडनेसडे तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे फिफ्टी सिक्स है दैट फर्स्ट जनवरी नाइनटीन फोर्टी सेवन के दिन वेडनेसडे का दिन था ठीक है एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए आपको ये मैं ले रहा हूं फर्स्ट uh, अक्टूबर से नाइनटीन नाइनटी टू अब की बार क्या ही है लीप ईयर ठीक है लीप ईयर है ना तो हम फिर से वही करेंगे पहला काम जो रहेगा दैट इज नाइन्टी टू फिर जब आप फोर से नाइन्टी टू को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वेश्चन आने वाला है दैट इज ट्वेंटी थ्री ठीक है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखोगे और जो थर्ड चीज़ आएगी वो आपने लिखना है अक्टूबर का कोड क्योंकि आगे चलोगे अक्टूबर का कोड क्या है वन और फिर लास्ट पे डेट क्या है दैट इज वन तो फिर से यहाँ पे वन तो अब आप इसको ऐड करोगे ठीक है दिस इज फाइव सिक्स एंड सेवन नाइन प्लस टू इज अलेवन तो वन हंड्रेड एंड अब आपको क्या करना है वन हंड्रेड एंड सेवनटीन को डिवाइड करना है सेवन से ठीक है सेवन वन आर सेवन नीचे फोर आएगा फिर सेवन आएगा सिक्स आर फोर्टी टू नीचे फाइव अब आपने क्या करना है ये फाइव हमारा आंसर है ठीक है तो इस फाइव के कारस्पॉन्डिंग आपने देखना है डे कौन सा है तो वो थर्सडे रहा तो इस दिन हम बोलेंगे इट वॉज थर्सडे, ठीक है अभी आप सोच रहे हो कि इसमें तो कोई चेंज आई नहीं लीप और नॉन लीप ईयर में तो चेंज आएगी नॉन लीप लीप ईयर और ईयर, ठीक है के क्वेश्चन करते हुए मान लो कि ये ट्रिक यूज करते हुए कोई चेंज नहीं आएगी तब तक जब तक नहीं ये मंथ जनवरी और फेबरवरी हो ठीक है जनवरी और फेबरवरी को छोड़ के दोनों नॉन लीप ईयर और ईयर के लिए सेम ट्रिक रहेगी अब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा जिसमें मैं ले लूंगा लीप ईयर होएगा वो और जो डेट होगा जो मंथ होगा वो या तो जैन होगा या तो फ़ेब होगा वो वाली अब एक एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी चेंज है ठीक है लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ले लो फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नाइनटी टू ठीक है क्या लीप ईयर है हाँ जी uh, मंथ कौन सा है जनवरी का तो मैंने आपको बोला अगर लीप ईयर है और मंथ जैन और फेब है तो ये वाली ट्रिक लगेगी ठीक है तो आप देखोगे यहां पे पहले हमने फिर से वो चार चीजें लिखनी है नाइनटी टू ये लास्ट डिजिट दो इसके इसके बाद दूसरी चीज जो है आप नाइन्टी टू को डिवाइड करोगे फोर से जो क्वेश्चन आएगा दूसरे वाली स्पेस में फिल करोगे दैट इज ट्वेंटी थ्री तो नाइन्टी टू रिमाइंडर क्या आएगा जीरो तो यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन जनवरी का कोड क्या है थर्ड पॉइंट लास्ट पे जो है ना डेट दैट इज जैन का कोड डेट तो एक ही है ठीक है अब आप एड करते जाओ थ्री प्लस टू इज फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक है नाइन प्लस टू इज अलेवन तो फिर से वन हंड्रेड एंड सेवनटीन आर है ठीक है ना जब आप इस बार चेक करोगे इट इज वन वन सेवन सेवन से डिवाइड करोगे सेवन वन आर सेवन नीचे आएगा फोर एंड ये सेवन तो सेवन सिक्स आर फोर्टी टू नीचे जो आए फाइव ठीक है लेकिन यहां पे हमारा जो आंसर है वो जो फाइव है इसमें हमने एक माइनस करना है ठीक है तो फोर तो ये हमारा आंसर है अब कारस्पॉन्डिंग टू फोर हमने देखना है कि कौन सा दिन था दैट वॉज दिस वेडनेसडे ठीक है सो फर्स्ट जैन नाइनटीन फोर्टी वाज कौन सा दिन था वेडनेसडे ठीक है आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी जनवरी और फेब का ख्याल रखना है जब लीप ईयर हो ठीक है अदरवाइज लीप ईयर हो नॉन लीप ईयर हो जनवरी और फेबरवरी ना हो तब ट्रिक सेम रही, ठीक है लेकिन अब इसमें क्या चेंज आएगा अगर लीप ईयर हुआ और फिर साथ में जनवरी और फेबरवरी का महीना रहा तब आपको क्या करना है जो आप प्रोसीजर सेम रहेगा लास्ट तक लेकिन लास्ट पे जो आपका रिमाइंडर आएगा उसमें से आपने एक घटाना है माइनस करना है फोर फिर आपने वीक डेज का जो कोड था उसके कारस्पॉन्ड चेक करना है कि कौन सा ये रहेगा ठीक है आई होप आपको ये समझ आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा शेयर भी करिएगा ठीक है थैंक यू